नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी में आपके साथ अमीषा यादव। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज के साथ। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों से शुरू हो चुकी है। भाजपा चुनाव समिति की कार्यशाला की बैठक को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अजमेर स्थित भाजपा कार्यालय पर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने मंत्री का गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया। भाजपा नेता सुभाष काबरा के नेतृत्व में समर्थक भाजपा कार्यालय पहुंचे और विधायक देवनानी का विरोध करते हुए मंत्री से उत्तर और दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन की मांग रखते हुए विरोध जताया। देखिए, चुनावी सरगर्मी है। उत्तर विधानसभा क्षेत्र से हजारों कार्यकर्ताओं की मांग थी इस बार परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन जैसे ही इन्हें मालूम पड़ी अखबार और मीडिया के माध्यम से कि इस बार भी परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, जबकि लास्ट चुनाव में माननीय देवनानी जी ने कहा था मेरा आखिरी चुनाव है और हम जैसे 35 साल से कार्यकर्ता जो कार्य कर रहे हैं उनकी भी इच्छा के कारण और सेवा के क्षेत्र में काम करने की वजह से जब ये मालूम हुआ कि इस बार हमारे सेवक को प्रत्याशी नहीं बनाया जा रहा है, तो आज हजारों की संख्या में लोग मुझे संपर्क करके और मुझे यहाँ लेकर आए हैं कि काबरा जी आप हमारे साथ चलो, हम आपको टिकट दिलाएंगे। इस भावना के साथ में उत्तर विधानसभा से हम परिवर्तन चाहते हैं। सांचौर जिला कलेक्टर पूजा पार्थ ने उप कारागृह सांचौर का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्थाएं जांची। कलेक्टर के अचानक उप कारागृह पहुंचने पर जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। जिला कलेक्टर ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जेल में लंबे समय से बंद कैदियों के बारे में जानकारी ली, साथ ही उनसे बार बार मिलने आने वाले लोगों के बारे में भी जानकारी लेते हुए चुनाव में व्यवधान उत्पन्न करने वाले संभावित कैदियों को बार बार किसी से भी नहीं मिलने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान जिला कलेक्टर ने जेल की जनरल व्यवस्थाओं को लेकर भी निरीक्षण किया, जिसमें साफ सफाई को लेकर अव्यवस्थाएं नजर आई, जिसको सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। रियाबड़ी उपखंड क्षेत्र के ग्राम सूरजगढ़ के लूणी नदी क्षेत्र समेत आसपास वन क्षेत्र चारागाह जैसे सरकारी जमीनों पर अवैध बजरी खनन आचार संहिता लगने के बाद पहले से कई गुना तेजी से होने लगा है। पहले ट्रैक्टर भरे जा रहे थे, लेकिन वर्तमान में बड़े डंपर सीधे ही नदी से भरे जा रहे हैं। कार्रवाई से बचने के लिए अवैध बजरी से भरे वाहन तेज गति से कस्बे के मुख्य बस स्टेशन समेत आबादी क्षेत्र से गुजरते हैं, जिसके कारण आमजन को दुर्घटना का भय बना रहता है और धूल मिट्टी से आमजन को परेशानी होती है। लेकिन प्रशासनिक अनदेखी के चलते एक के बाद एक हर रोज कई हरे वृक्ष अवैध बजरी खनन की भेंट चढ़ रहे हैं। भाजपा सांसद राजेंद्र गहलोत ने बीकानेर में पार्टी की चुनाव प्रबंधन की बैठक ली, जिसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सांसद ने कहा कि जनता कांग्रेस सरकार के शासन से तंग आ चुके हैं और बदलाव के लिए बेकरार है। साथ ही सांसद ने कहा कि भाजपा की पहली लिस्ट में टिकट वितरण में सभी का ध्यान रखा गया है और किसी को कोई नाराजगी नहीं है। टिकटों के मामले में कोई रोष नहीं है, टिकट मांगने वाले ज्यादा होते हैं तो सबको उम्मीद होती है, तो सैनिक उस वो रोष होता है, परंतु कार्यकर्ता के नाते जो विचारधारा से सब जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कार्यक्रम और विचारधारा से संबंधित होता है और धीरे धीरे वो काम में लग जाता है और सारे कार्यकर्ता काम में लग गए। बूंदी में विधानसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन विभाग द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है, जिसके तहत पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी को ईवीएम का प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों ही रूप में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि चुनाव में किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। पीठासीन और मतदान अधिकारी का यह प्रशिक्षण 11 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक जारी रहेगा, जिस पर जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला उप निर्वाचन अधिकारी लगातार नजर बनाए हुए हैं। बिल्कुल, हमारे जो चुनाव की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। जो 72 घंटे की सूचना है हमारी आदर्श आचार संहिता की पालना वो हमने भिजवा दी, जो निर्वाचन विभाग के जिसे हमारे पास निर्देश थे, और जो हमारा प्रशिक्षण है मतदान दलों का वो 11 तारीख से वो शुरू हो गया है। जो प्रथम प्रशिक्षण हमारा 19 अक्टूबर तक चलेगा। ईवीएम का थ्योरिकल प्रैक्टिकल बिल्कुल 45 ईवीएम हमने जो 10% के हिसाब से निकाल के और 45 जो ईवीएम है के माध्यम से कॉलेज में लगातार कंटिन्यू को प्रैक्टिकली प्रशिक्षण दे रहे हैं। आबू रोड शहर के अरबुदाचल की फिजाओं में 7 अक्टूबर को रंगारंग कार्यक्रमों के साथ अग्रसेन जयंती का भव्य शुभारंभ किया गया था, जिसको लेकर समाज के सभी लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला था, जिसके चलते महिलाओं और बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही है, जहां सभी प्रतियोगिताओं में समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर अपना हुनर दिखाया है। अभी तक 15 से अधिक प्रतियोगिताएं हो चुकी है और आगे शहर में विशाल बाइक रैली, कवि सम्मेलन समेत कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। अग्रसेन जयंती का शुभारंभ 7 तारीख को हुआ था और 20 तारीख चलेगा।
अग्रसेंट्री में क्रिकेट प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला, बच्चों के खेलकूद, सामाजिक ज्ञान प्रतियोगिता, महिलाओं की एक मिनट प्रतियोगिता, महिलाओं के सांस्कृतिक कार्यक्रम बिना चल रहे हैं और विशाल रैली होगी, मोटरसाइकिल रैली, विशाल जुलूस निकलेगा, कवि सम्मेलन है और अभी रक्तदान शिविर चल रहा है, इसमें लगभग 350 व्यक्तियों का रक्तदान होने की संभावना है और बहुत बढ़ चढ़ के लोग भाग ले रहे हैं। भाजपा से टिकट नहीं मिलने से नाराज हजारों समर्थकों के आश्वासन पर भाजपा नेता राजेंद्र भांबू ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। भाजपा ने झुंझुनू विधानसभा से बबलू चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। वहीं पूर्व भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भांबू भी भाजपा से टिकट की मांग कर रहे थे। अग्रसेन सर्किल स्थित आवास पर राजेंद्र भांबू ने जनसंवाद कार्यक्रम रखा, जिसमें हजारों की संख्या में झुंझुनू विधानसभा के लोग पहुंचे। राजेंद्र भांबू के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद भाजपा के लिए झुंझुनू विधानसभा से खतरे की घंटी बज गई है, क्योंकि भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ना कहीं न कहीं भाजपा के लिए बड़ा नुकसान है। झुंझुनू विधानसभा के भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ जो एक बहुत ही निंदनीय और अन्यायपूर्वक जो निर्णय लिया टिकट का, उसके खिलाफ कहिए या जनता का जनक्रोश मानिए या निराशा का भाव मानिए और मेरा स्नेह मानिए, उसके प्रति आज बहुत बड़ी संख्या में एक जनसलाह उमड़ा और जिसका जनसंवाद कार्यक्रम के रूप में आयोजन हुआ, उसमें मेरा फैसला मेरा आपका फैसला मेरा हौसला का कार्यक्रम था, तो लोगों ने अपना फैसला देते हुए मुझे यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में प्रत्याशी घोषित किया है। मैं उनकी भावनाओं को हाथ नहीं करूँगा और उनके निराशा के दोष से निकालूंगा और जो उन्होंने पिछले 5 साल में सपने सुधरे थे उनको पूरा करूँगा और जो उनके मनचैन और स्वार्थ को बनाए रखने के लिए किसी तरह के असामाजिक तत्व यहाँ नहीं पनपे, भ्रष्टाचार नहीं पनपे, वंशवाद संपूर्ण खत्म हो और झुंझुनू का विकास कर संकल्प का जो मेरा विजन है वो कार्यकर्ताओं साथ लेकर पूरा करूँगा। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करने के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लगते ही एक ओर जहां प्रशासन शहर और गांव में लगे राजनीतिक विज्ञापनों, होल्डिंग्स, बैनरों को उतारने में बूथ स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी थी, लेकिन आचार संहिता लगने के 72 घंटे पूरे होने के बाद भी बांसुर उपजिला अस्पताल के एम्बुलेंस पर अभी भी स्थानीय निवर्तमान विधायक शकुंतला रावत के नाम का बैनर एम्बुलेंस पर लगे हुए हैं। यह एम्बुलेंस स्थानीय प्रशासन की नजरों के सामने रहती है, बावजूद प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, मानो जैसे जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर आंखें मूंद ली हो। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल, जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए चुनाव संबंधी समीक्षा करने के लिए पलाना देशनोक नोखा क्षेत्र का दौरा किया। जिला कलेक्टर ने कहा कि आगामी 25 नवंबर को होने वाले मतदान के संबंध में एसडीएम सीओ समेत अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो मतदान के समय भयग्रस्त हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो मतदान प्रक्रिया को दूषित कर सकते हैं, इन सभी पर विस्तृत चर्चा की गई है। पुलिस के बहुत सारे पद खाली हैं और खाली अपने जिले में नहीं, हर जिले में ये प्रॉब्लम है। आगामी इलेक्शन को लेकर हर ज़िले की फोर्स डिप्लॉयमेंट की एक असेसमेंट का क्राइटेरिया होता है, उसके बेसिस पे एक्स्ट्रा फोर्स जो है विभिन्न जगहों से जो भी स्टेट्स जो चुनाव में जाती हैं उनको मिलती है और उसके हिसाब से कार्रवाई यहाँ पे की जाती है। जो भी हमें एक्स्ट्रा जाब्ता जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमने पुलिस मुख्यालय के माध्यम से भिजवा दी गई है और जैसे ही हमें एक्स्ट्रा जाब्ता मिलेगा वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज डिप्लॉय कर दिया जाएगा। में देखिए वहाँ पर जो शहरी क्षेत्र की व्यवस्थाएँ वो सारी व्यवस्थाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में भी रहेगी, जो हमें मतदान केंद्रों पर जो सुविधाएँ हैं देनी है, लाइट है, पानी है, बिजली है, रैंप है, ये सारी सुविधाएँ हमें देनी है वहाँ पर। तो अभी वीडियो सब भी थे मीटिंग में वो सभी जगह पर उनको कह दिया गया है। साथ ही जहाँ पर भी मतदान प्रक्रिया में कहीं कहीं व्यवधान हो सकता है कानून व्यवस्था के हिसाब से उन बिंदुओं पर भी ध्यान रखने निर्देश दिए। राजसमंद जिला मुख्यालय से 2 किलोमीटर दूरी पर प्रतापपुरा गांव में द्वारिकाधीश स्कूल नामक निजी स्कूल का शुभारंभ हुआ और 7 महीने बाद स्कूल प्रबंधन की ओर से यह कहकर स्कूल को बंद कर दिया गया कि स्कूल में घाटा हो रहा है। स्कूल के इस फैसले से वहां पर पढ़ने वाले 80 बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है। बच्चे न घर के रहे न घाट के, जाए तो कहां जाए। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिताओं ने बताया कि इस तरह से स्कूल बंद होना हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस साल भी हमारे बच्चों की पढ़ाई खराब हो गई, जिसका जिम्मेदार कौन होगा। स्कूल अप्रैल में चालू हुआ था, मैंने ज्वाइन किया 15 अगस्त के बाद। स्कूल 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 में जो भी रहा होगा मैं अभी यहाँ पर जिम्मेदार नहीं हूँ। मैंने केवल 15 अगस्त को स्कूल ज्वाइन किया था। स्कूल को उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन जो स्कूल का प्रशासन है, स्कूल के जो मालिक है, उनका आदेश था कि स्कूल बंद। उसका कारण उन्होंने बताया क्या कर रही
तो दूसरा फीस भी बहुत पड़ रही है, तो फीस भी नहीं जमा कर रही। इस कारण से मैनेजमेंट का डिसीजन है कि हमें स्कूल नहीं चला। जो ये है कि फिर मैनेजमेंट का डिसीजन ये था कि बार बार फोन करने के बावजूद भी फीस की प्रथम किस्त जमा नहीं कराई गई है, ठीक है, तो स्कूल तो घाटे में तो स्कूल चलाएगा नहीं कोई भी। तो इसके बाद में मैनेजमेंट का डिसीजन ये था कि इनकी जितनी भी फीस है वो रिटर्न कर दी जाए और स्कूल बंद कर दिया जाए। मैं सुनने ना रहता हूँ, मेरे गांव का गोपाल माली, इसकी बच्ची का एडमिशन द्वारकाधीश पब्लिक स्कूल में करवाया था। स्कूल 3-4 माह चला, उसके बाद इन्होंने स्कूल बंद कर दिया और इन्होंने फीस भी जमा करवाई, इनकी फीस पुनः नहीं लौटा रहे हैं। मैं एक समाज सेवी होने के नाते से मैं स्कूल में आया, मैंने बात की, पर इनका स्टाफ की तरफ से कोई संतुष्ट जवाब नहीं आया और ये अपने सारा सिस्टम बंद करके यहाँ से चले गए। 80 बच्चे करीबन इस स्कूल में पढ़ रहे हैं और 4 माह बाद ये स्कूल बंद कर देते हैं, तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे? इनके भविष्य पर कितना प्रभाव पड़ेगा? इनके माता पिता बड़ी मुश्किल से पैसे ला के यहाँ जमा करवाए और जो स्कूल ड्रेस थी वो वापस सुपुर्द की, जो किताबें थी जो इनको वापस दी, और इस तरह से ये स्कूल वाले कर रहे हैं। और स्कूल बंद करना यानी बच्चों के साथ एक बड़ी खिलवाड़ करना। बज्जू से बांगरसर सड़क के निर्माण कार्य में लापरवाही पर ग्रामीणों ने विरोध जताया। ग्रामीण महेंद्र सिंह भाटी और महबूब खान खोखर ने बताया कि सड़क का कार्य निम्न स्तर का करवाया जा रहा है, इस घटिया निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने धरना शुरू कर दिया। इस मौके पर सड़क ठेकेदार समेत विभाग के अधिकारियों ने लोगों से बातचीत की। स्थानीय लोगों ने डामर निकाल कर भी अधिकारियों को बताया कि इस तरह से आनन फानन में सड़क का निर्माण मत करवाओ ताकि आने वाले कुछ समय में ही सड़क टूट जाए। नमस्कार, पंचायत समिति बज्जू से ग्राम पंचायत बांगड़सर तक जो रोड स्वीकृत हुई थी उसका निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। गत रात्रि को ग्रामीणों ने घटिया सामग्री लगाने और निम्न गुणवत्ता से कार्य करने का आरोप ठेकेदार पर लगाया और ग्रामीणों में आक्रोश था। वो शाह रात होने के बावजूद भी वहां डटे रहे, लेकिन मौके पर पुलिस का जाब्ता भी आ गया था और उसके बाद में जैसे तैसे करके उसको आश्वस्त करके ग्रामीणों को वहीं रोक लेने के लिए कहा और उसके बाद पर वो एग्री हो गए। लेकिन जब सुबह हुई तो रोड लगातार निर्माण हो रहा था, इसलिए ग्रामीणों में ज़्यादा आक्रोश हो गया था। तब मौके पर ग्रामीणों ने जाकर रोड को रुकवाई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कार्यशाला की बैठक को लेकर अजमेर स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे और प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें मंत्री शेखावत ने कहा कि लाल डायरी सरकार के भ्रष्टाचार की डायरी है, रंग बिरंगी डायरी राज्य सरकार ने अपने अलग अलग भ्रष्टाचार के लिए बनाई है। सांस्कृतिक के रूप में पहचान रखने वाले राजस्थान में दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है। लाखों लोगों का, लाखों युवकों का भविष्य अंधकार में करने के बावजूद भी सरकार निरंतर मुख्यमंत्री के स्तर पर, मंत्रियों के स्तर पर निरंतर उन पेपर लीक की घटनाओं पर पर्दा डालती भी दिखाई दी। मुख्यमंत्री जी से जब पेपर लीक के आरंभिक काल की घटनाओं के बाद में प्रश्न पूछे गए तो उन्होंने बार बार स्वयं जाकर के ये कहा था, स्टेटमेंट किया था कि इसमें अधिकारी और नेता सम्मिलित नहीं। बार बार इस तरह के स्टेटमेंट देने के बावजूद भी जब ये घटनाएं होती रही, सरकार के प्रेशर में पेपर लीक होते गए, सरकार के नेताओं के प्रेशर में पेपर लीक होते गए। और मैं तो अभिनंदन करूंगा आप सब पत्रकार मित्रों का कि 17वें पेपर लीक के बाद में जब भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने प्रचंड आंदोलन खड़ा किया था और उसका सहयोग आप सब लोगों ने जिस तरह से किया, जिस तरह से निर्भीक होकर के आप सब लोगों ने निष्पक्षता के साथ में युवाओं को न्याय दिलाने के लिए जब सजीव चित्रण किया, उसके बाद में सरकार होश में आई और जांच केवल 2 कदम अभी चली है। मुख्यमंत्री जी जिन 2 वर्गों को क्लीन चिट दे रहे थे, अधिकारी भी जेल में पहुंचे, आरपीएससी के सर्विंग मेंबर, राजस्थान के आरपीएससी के इतिहास, गरिमा और प्रतिष्ठा का मुंह काला करके वो जेल में पहुंचे और उसके बाद में जिस तरह की टिप्पणियां उनकी नियुक्ति को लेकर के की गई वो अपने आप में जो है राजस्थान की गरिमा को कम करने वाली थी। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें नवतेज टीवी के साथ।
देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।